दोस्तों, आज मैं आपको एक चटपटे टेस्टी हेल्दी फूड की रेसिपी बताऊंगी। इसे कहते हैं आपे। ये झटपट बन जाते हैं और घर में की ही सारी चीज़ों से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना है कैसे है। आपे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, 1 कप बेसन, 1 कप रवा, 1 कप दही, थोड़ी सी चॉप की हुई बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी, 1 टीस्पून अदरक क्रश किया हुआ, 2 टीस्पून हरी मिर्ची और लहसुन की पेस्ट, लगभग 2 से 3 प्याज कट किए बारीक, और 2 टोमेटो कट किया है, एक टीस्पून शक्कर, 2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार लें, और 1/2 टीस्पून सोडा। आपे बनाने के लिए हम सबसे पहले इस एक पॉट में 1 कप बेसन लेंगे। इतना ही हम चावल का आटा इसमें मिक्स करेंगे। इसके साथ में हम रवा, रवा बारीक लो या फिर जाड़ा, आपके हिसाब से कोई भी ले सकते हो आप। इसमें हम दही मिक्स करके, दही को मिक्स करेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैंने लगभग 1 कप पानी लिया है, पूरा एक साथ नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें एक भी लंग्स नहीं रहा ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमें इसमें अक्खा जीरा ही डालना है, जिससे ये थोड़ा क्रंचीनेस आए। अब हम इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून खाने का मीठा सोडा, मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड करें। अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने ली हुई सब सब्जियाँ इसमें मिक्स कर देंगे। अदरक की पेस्ट, पत्ता गोभी और मिर्ची लहसुन की पेस्ट और प्याज। प्याज ऑप्शनल है, यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो नहीं भी डाल सकते हैं। टोमेटो भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें आप चाहो तो शिमला मिर्ची भी मिक्स कर सकते हो, मुझे शिमला मिर्ची नहीं पसंद इसलिए मैंने मिक्स नहीं की। अब इसे मिक्स करते रहना है अच्छे से। देख सकते हैं हमारा बैटर इस तरीके से हो चुका है। इसमें हमने सारी सब्जियां मिक्स कर दिए। हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हमने हरी मिर्च ली है इसलिए लाल थोड़ी कम लेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/8 स्पून गरम मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इस पेस्ट में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल से अच्छे स्पॉन्जी हो जाते हैं ये। अच्छे
अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ आटे का साँचा है इस तरीके से इसे गर्म करने के लिए रखा है। हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, ये नॉन स्टिक है तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा साँचा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मिश्रण डालेंगे। इस तरीके से हमने इसमें मिश्रण डाल लिया है। अब हम इसे स्लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक के होने देंगे। इस पर हम ये ढक्कन लगा देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल के देखेंगे। वाह, ये बढ़िया खुल चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया कलर आया है। हम इसे पलट देंगे इस स्टिक्स की सहायता से। वाह, कितने अच्छा कलर आ चुका है, इस साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितने बढ़िया कलर आए हैं। इसी तरह हमें सारे पलटना है। यदि कच्चे रहे तो निकलेंगे नहीं, तो इसे 2 मिनट और होने देना। लेकिन ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे दूसरे साइड से होने देंगे। अभी हम इसे दूसरी साइड से भी ढक्कन लगाकर होने देंगे, लगभग 3 मिनट तक के होने देंगे। स्लो, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। वाओ, कितना बढ़िया बने, आप देख सकते हो इसे। इसे आप पलट के देखिए कितना बढ़िया कलर आया, बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त कलर आया है। और ये स्पॉन्ज भी बहुत हुआ है, ये देखिए बहुत गर्म है। अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे अप्पे रेडी हो चुके हैं। आप इसे देखिए कितने स्पॉन्जी हुए हैं, वाह, अंदर से भी कितना सॉफ्ट हुआ है और ये इतना सा भी चिपचिपा नहीं है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, इसे आप चटनी के साथ में खा सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।